हेलो चिल्ड्रन, वेलकम टू आशा एजुकेशन। आज हम करेंगे सिक्स क्लास की हिंदी की किताब बसंत का थर्ड चैप्टर नादान दोस्त। तो ये लिखी है कहानी मुंशी प्रेमचंद्र जी ने, बहुत ही अच्छी कहानी है ये। और दो बच्चे हैं, ये बच्चे जो हैं उनका नाम है केशव और श्यामा, जो बहन है उसका नाम है श्यामा और भाई का नाम है केशव। तो ये बच्चे बहुत ही नादान हैं, इनको नहीं पता है जो अंडे हैं उनकी देखभाल कैसे की जाती है। तो जो अंडे होते हैं उनको ये छू लेते हैं, जिससे क्या होता है जो चिड़िया होती है अपने अंडों को स्वयं ही फोड़ देती है। तो इन बच्चों को बहुत ही पछतावा होता है। तो इसी नादानी की वजह से इस कहानी का नाम रखा गया है नादान दोस्त, क्योंकि वो अपनी नादानी की वजह से क्या करते हैं, अंडों को फुड़वा देते हैं। तो आइए देखते हैं इस कहानी में क्या है। तो जो केशव है उसके घर की जो कार्निस है उस पर जो चिड़िया है उसने अंडे दिए हैं, और जो केशव है और जो श्यामा है बहुत छोटे छोटे से बच्चे हैं, इनको बहुत मज़ा आ रहा है देखने में कि वो अंडे हैं वो कैसे होंगे, उनमें जो बच्चे हैं वो कैसे निकलेंगे। तो वो देखते रहते हैं दिन रात, कैसे रंग के होंगे, कैसे होंगे, कितने होंगे, इनके मन में कई सवाल उठते हैं। तो ये अपना खाना पीना तक भूल जाते हैं, और जो सवालों का जवाब होता है वो नहीं समझते कौन देगा, क्योंकि जो इनकी जो माँ है और इनके पिताजी हैं वो बिज़ी रहते हैं काम में। तो जो अम्मा है वो घर के कामों में बिज़ी रहती हैं, जो बाबूजी हैं वो पढ़ने लिखने में बिज़ी रहते हैं। तो जो दोनों बच्चों के मन में जो सवाल उठते हैं उनका जवाब वो आपस में ही दे लेते हैं और तसल्ली कर लेते हैं। तो जो श्यामा है वो कहती है जब बच्चे निकलेंगे इसमें से तो क्या होगा, ये तो फटाफट निकलेंगे और चले जाएंगे, भाग जाएंगे यहाँ से, उड़ जाएंगे। तो जो केशव होता है वो समझाता है उसको कि अरे पगली, कि चले कैसे जाएंगे, इनके बच्चों के जब निकलेंगे तो इनके पंख तो होंगे ही नहीं, तो बिना पंख के कैसे चले जाएंगे। तो फिर श्यामा कहती है कि जो बच्चे निकलेंगे उनको हम खिलाएंगे क्या। तो केशव भी सोचने लगता है कि हाँ, जो बच्चे निकलेंगे उनको हम क्या खिलाएंगे। तो इस तरह से क्या होता है, तीन चार दिन बीत जाते हैं, उनके मन में बहुत अधिक जिज्ञासा हो रही है बार बार कि अंडे कैसे होंगे, उनके अंदर से जो बच्चे निकलेंगे वो कैसे होंगे। तो वो अनुमान लगाते हैं कि बच्चे निकल आए होंगे, वो सोच रहे हैं ऐसा कि हाँ बच्चे निकल आएंगे। तो वो सोचते हैं कि जब बच्चे निकल आएंगे तो हम इनको खिलाएंगे क्या। तो वो सोचते हैं कि बच्चे खाएंगे तो जो इनकी माँ होंगी वो कहाँ से इनको खाना लेके आएंगी, कहाँ से इतना सारा लेके आएंगी, इनको जो दाना पानी होगा। तो ये जो दोनों बच्चे हैं बहुत दुखी हैं, सोच रहे हैं कि कहाँ से इनका खाना आएगा। तभी उनके दिमाग में एकदम आती है तरकीब, ऐसा करेंगे कि जो बच्चे हैं उनके सामने हम क्या करेंगे, ज़रा सा खाना रखाएंगे, दाना रख दिया करेंगे। तो श्यामा खुश हो जाती है, वो कहती है हाँ ऐसा करेंगे कि जो चिड़िया है उसको वहाँ पर जाएंगे, वहाँ पर हम जो बच्चे निकलेंगे उनके सामने हम कुछ खाना रख दिया करेंगे, जिससे क्या होगा जो इनके मम्मी पापा हैं, मतलब जो चिड़िया के जो इनके चिड़िया के जो निकलेंगे बच्चे, उनके जो मम्मी पापा का चिड़िया है वो आएगी, तो उसको कहीं भी जाना नहीं पड़ेगा, उसको आराम से यहीं पे सब कुछ मिल जाएगा। तो ये क्या करते हैं, फिर वहाँ पे सोचते हैं ऐसा, फिर उनको एकदम ध्यान आता है कि जो श्यामा होती है उसको लगता है अरे जो धूप आएगी उससे कैसे बचेंगे ये बच्चे, यहाँ तो बहुत धूप आती है तो ये बच्चे तो वैसे ही मर जाएंगे, प्यास भी बहुत लगेगी इन लोगों को, तो इनको तो छाया चाहिए यहाँ पे। तो वो बच्चे आपस में ही डिसाइड करते हैं, सोचते हैं चलो ऐसा करते हैं जो घोंसला है उसके ऊपर हम क्या करेंगे, कपड़े की छत बना देते हैं उसको। फिर सोचते हैं जो पानी होगी वो पानी की प्याली होगी उसके सामने रख देंगे और थोड़े से चावल डाल दिया करेंगे इनके सामने। तो वो दोनों इस बात पे सहमत हो जाते हैं कि जो पानी की प्याली होगी उसको रख देंगे और थोड़े से चावल डाल दिया करेंगे। तो क्या होता है, जो श्यामा होती है वो अपनी मम्मी की आँख बचा कर चुपचाप क्या करती है, मटके से चावल निकाल लाती है, और केशव क्या करता है पानी के लिए जो पत्थर की प्याली है जिसमें तेल रखा हुआ था वो तेल को फेंक देता है, उस प्याली को खूब साफ करता है और उसमें पानी भर लेता है। तो अब कहते हैं, वो सोचते हैं कि अब जो चांदनी के लिए जो उनके वहाँ पे धूप आएगी उसके लिए कपड़ा कहाँ से आएगा। अब वो सोच ही रहे थे तो केशव कहता है चलो ऐसा करते हैं तुम ऐसा करो जो कूड़े की जो फेंकने वाली टोकरी है उसको ले आओ। तो जो श्यामा होती है वो कहती है जो टोकरी है वो तो बीच में से फटी हुई है, उसमें से धूप चली जाएगी अंदर। तो केशव झुंझला जाता है, तो कहता है तुम टोकरी तो लेके आओ, मैं उसका जो सुराख है उसका जो छेद है उसको बंद कर दूंगा। तो जो श्यामा होती है भाग कर जाती है और टोकरी ले आती है। जो केशव होता है जो छेद होता है उसमें क्या करता है, कागज़ ठूंस देता है, जिससे क्या होता है वो छेद बंद हो जाता है।
तो वो कहता है जो ये टोकरी है उसको मैं टहनी से टिका दूंगा, तो जिससे क्या होगी एक जो घोंसला जहाँ पे रखा हुआ है उस पे आग हो जाएगी और जो धूप होगी वो यहाँ तक नहीं आएगी। तो श्यामा जो होती वो दिली दिल में सोचती है हाँ भाई तो बहुत चालाक है, बहुत अच्छी अच्छी तरकीबें लगाते हैं। तो गर्मी के दिन थे, जो बाबूजी थे उनके वो गए हुए थे और अम्मा क्या किया, अम्मा ने दोनों बच्चों को कमरे में सिलाकर खुद सो जाती हैं। तो वो सुलाती तो हैं पर जो बच्चे होते हैं इनकी आंखों में नींद नहीं होती, वो सिर्फ बहाना बना रहे होते हैं सोने का। जैसे ही अम्मा जाती हैं उसकी सोने के लिए वो क्या करते हैं, दरवाज़ा खोलते हैं और चुपके से जो कार्निस होती है जहाँ पर बच्चों ने अंडे, वो चिड़िया ने अंडे दिए होते हैं वहाँ पर पहुँच जाते हैं। तो केशव क्या करता है कमरे में से स्टूल लेकर आता है और उसकी जो स्टूल था वहाँ तक नहीं पहुँचता तो वो नहाने की जो चौकी होती है उसके नीचे स्टूल के नीचे रख देता है। तो डरते डरते जैसे जैसे तैसे वो स्टूल पर चढ़ जाता है और श्यामा को बोलता है कि तू दोनों हाथों से स्टूल को पकड़े रहे। लेकिन जो श्यामा थी वो भी बहुत उत्सुक थी अंडों को देखने के लिए, तो वो भी बार बार क्या करती थी देखने के लिए, जैसे ऊपर देखती थी उसके जो हाथ की पकड़ थी वो ढीली हो जाती थी और जो स्टूल था वो हिलने लगता था। तो ऊपर से वो केशव था वो चिल्लाने लगता था जोर से कि तू ठीक से पकड़ ले नहीं तो मैं नीचे उतर कर बहुत मारूंगा। तो नीचे से वो श्यामा वो होती है वो भी बार बार कह रही होती है भाई तुम जल्दी से आ जाओ मैं भी देखूंगी। तो वो कहते हैं हाँ भी दिखाऊंगा तेरे को भी दिखाऊंगा, तुम ऐसा करो भी ठीक से स्टूल को पकड़ लो। तो वो पूछती है नीचे से भाई कितने अंडे हैं, वो कहता है तीन अंडे हैं ऊपर। तो वो पूछती है कि कैसे हैं अंडे, तो वो कहता है अभी मैं तुम्हें को दिखा दूंगा अंडे, तुम ऐसा करो स्टूल को पकड़ लो अच्छे से। तो वो जब देखता है तो देखता है कि जो घोंसला है वो वैसा घोंसला नहीं है जैसा कि पेड़ पे होता है। तो वो देखता है कि अरे जो अंडे हैं वो तो जो तिनके हैं उसके ऊपर पड़े हुए हैं। तो वो उसको लगता है कि बेचारे जो बच्चे निकलेंगे वो उसके जो तिनके हैं वो चुप जाएंगे उनके। तो वो कहता है तुम ऐसा करो कुछ कपड़ा ले आओ मैं इसके नीचे बिछा दूंगा ताकि जो अंडे हैं उसमें से बच्चे निकलेंगे तो उनको कष्ट नहीं होगा। तो वो क्या करती है श्यामा होती है भाग कर जाती है और पुरानी धोती फाड़ कर क्या करती है एक टुकड़ा ले आती है और केशव क्या करता है उस कपड़े को जो एक तह बनाता है गद्दी सी बनाता है उस जो तिनके थे उनको ऊपर बिछा देता है और जो तीनों अंडे थे उनको उठाता है उस जो गद्दी बनाई थी उसने उसके ऊपर रख देता है। तो जो श्यामा होती है वो फिर कहती है हमको भी दिखा दो भाई। तो केशव होता है वो कहता है हाँ दिखा दूंगा, पहले जरा भैया टोकरी तो दे दो जो मैंने बनाई है उसको छाया तो कर दूँ। तो श्यामा होती है नीचे जो टोकरी थी उसको थमा देती है भाई को, फिर वो कहती है मुझे भी दिखा दो। तो वो क्या करता है जो केशव क्या है तो टोकरी को एक टहनी से टिका देता है और कहता है जब जो दाना पानी जो उसको रखा था ना वो उठा के लिया, अब मैं उतार रहा हूँ तो तुझे दिखा दूंगा। तो श्यामा क्या करती है प्याली और चावल भी ले आती है और केशव क्या करता है फिर टोकरी के जो नीचे है वो दोनों चीज़ें रख देता है, आहिस्ता से धीमे से उतर आता है नीचे। तो श्यामा है बहुत विनती करती है उसको कि भाई हमको भी दिखा दो। तो केशव उसको डांट देता है नहीं तू गिर जाएगी। तो श्यामा कहती है उससे नहीं गिरूंगी भाई तुम मुझे पकड़ लेना। तो केशव मानता नहीं है, कहता नहीं तू गिर जाएगी और अम्मा आ जाएंगी तो क्या होगा मेरी चटनी बना देंगी बहुत मारेंगी मुझे, तो कहेंगे कि मैंने ही तुझको ऊपर चढ़ाया था। तो वो कहता है तू क्या करोगी देखकर बहुत जो अंडे हैं बहुत आराम से हैं सही से रखती है मैंने, जब बच्चे निकलेंगे तो उनको पालेंगे। तो दोनों क्या करते हैं चिड़ियाँ हैं वो बार बार कार्निस पर आती हैं, तो दोनों बच्चे देख रहे होते हैं ऐसे, तो वो देख रहे हैं जो चिड़ियाँ हैं वो बार बार कार्निस पर आती हैं और वहाँ बैठती नहीं हैं और चली जाती हैं। तो इन बच्चों को ये लगता है कि शायद हम लोगों के डर से वो चिड़ियाँ हैं वो आ नहीं रही और भाग जाती हैं। तो वो स्टूल उठाकर तो एक कमरे में रख देते हैं, जो चौकी थी उसको जहाँ रखी थी वहीं रखाते हैं संभाल के ताकि उनकी माँ को अम्मा को पता ना चले। नीचे उतर के आता है जो श्यामा होती है उसको डांटती है कहती है तुमने मुझे अंडे क्यों नहीं दिखाए। तो केशव उस तक कहता है कि अगर मैं तुझको अंडे दिखाता तो नीचे गिर जाती तो क्या होता, तेरा जो सर है वो फट जाता, सिर के चार टुकड़े हो जाते। तो वो कहती है होते तो हो जाते, मैं तो तुम्हारी शिकायत मम्मी से कहूँगी। तभी क्या होता है एकदम मम्मी होती है वो उठ के आ जाती है, किवाड़ खुलती है तो मम्मी क्या देखती हैं दोनों बच्चे बाहर हैं। तो वो डांटती हैं दरवाज़ा किसने खोला, उनको बाहर इतनी तेज़ धूप होती है उनकी आँखों में धूप लगती है बहुत तेज़, अपनी आँखों को बचाती हैं धूप से और उन बच्चों को डांटती हैं और पता कहती हैं तुम बताओ किसने दरवाज़ा खोला। तो श्यामा थी उसको पता था कि जो दरवाज़ा खोला है किवाड़े खोली हैं वो भाई ने खोली हैं, लेकिन वो डर के मारे बताती नहीं है, उसको पता था बता देगी तो क्या होगा जो माँ है उसको भाई को मारेंगी। इधर जो केशव होता है वो भी डर रहा होता है ये सोचकर कि जो श्यामा है उसने उसको
अंडे नहीं दिखाए थे तो वो शायद बता दे माँ को कि मैंने दरवाज़ा खोला था। तो उसको श्यामा पर विश्वास नहीं था, उसको पक्का लग रहा था कि बता देगी, लेकिन जो श्यामा है वो कुछ कहती नहीं है। तो माँ क्या करती है, दोनों बच्चों को डांट के अंदर ले आती है और कमरे में बंद कर देती है और धीरे धीरे उनके ऊपर पंखा चलने लगती है। तो अभी क्या हुआ था, अभी सिर्फ 2 ही बजे थे, बाहर बहुत तेज़ लू चल रही थी, अब दोनों बच्चों को नींद आ जाती है। फिर क्या होता है, 4 बजते हैं तो अचानक श्यामा की नींद खुलती है और जो किवाड़े थी वो खुली हुई थी, तो वो दो भाग कर जाती है, जो कारनेस होती है वहाँ पर जाती है और ऊपर देखने लगती है। तो जो देखती है कि टोकरी तो वहाँ पे थी नहीं, तो उसको लगता है कि जो नीचे नज़र जाती है उसकी, तो उसको दिखाई देती है टोकरी, तो वो नीचे अंडे भी पड़े हुए थे, टोकरी भी पड़ी हुई थी और अंडे में बच्चे थे ही नहीं। तो वो घबरा जाती है एकदम, भाग कर क्या करती है, वो केशव के पास जाती है। केशव एकदम घबरा कर उठता है और दौड़ते हुए बाहर आता है, तो क्या देखता है कि जो तीनों अंडे थे वो नीचे टूटे पड़े हैं और उनमें से ना तो कोई बच्चा निकला है ना कुछ, उसमें से क्या निकला है, एक चूने की तरह कोई चीज़ बाहर निकल आई है और पानी की जो प्याली है वो भी एक तरफ टूटी पड़ी है। अब उनके जो चेहरे का रंग था वो उड़ गया था, उनको समझ में नहीं आ रहा था ये क्या हो गया, और वो क्या होता है, सहमी हुई आँखों से अपने ज़मीन पर देखने लगते हैं। तो जो श्यामा होती है वो पूछती है, भाई क्या बच्चे उड़ गए हैं इसमें से जो थे? तो भाई कहता है कि अंडे फूट गए, तुझे दिखाई नहीं दे रहा। तो वो तो जो केशव होता है उसको गुस्सा आ जाता है जब वो श्यामा बार बार पूछती है कि जो अंडे थे उसमें से बच्चे कहाँ चले गए, तो केशव होता है वो कह देता है कि तेरे सर में चले गए। फिर वो चिल्लाता है उसके ऊपर, तू देखती नहीं जो अंडे में से ये उजला उजला पानी निकल आया है, भाई तो 2-4 दिन में बच्चे बन जाते। तो जब माँ उठती हैं वो देखती हैं कि बच्चे गायब हैं, फिर से उन्हें लगता है कि बच्चे फिर निकल गए धूप में, तो हाथ में सोटी लेती है उनको मारने के लिए। अब श्यामा है वो देखती है जब अंडे टूटे पड़े हैं, तो वो अपनी अम्मा से कहती है, अम्मा जो चिड़िया के अंडे थे वो टूटे पड़े हैं। तो वो बता देती है, अंडों को दिखाती है अपनी अम्मा को। तो जब माँ होती है टूटे हुए अंडों को देखती है तो गुस्सा आ जाता है उनको, गुस्से में कहती है तुम लोगों ने अंडों को छुआ होगा। अब तो जो श्यामा थी वो समझ जाती कि जो भाई चढ़े थे ऊपर तो उन्होंने अंडों को इस तरह रख दिया होगा कि वो नीचे गिर गए होंगे, तो वो कहती है पक्का इनको सजा मिलनी चाहिए इस बात की कि उन्होंने अंडों को फोड़वा दिया। तो वो बता देती है अम्मा को कि जो केशव था वो ऊपर चढ़ा था अंडों को देखने के लिए। अब जो केशव था बहुत डरा हुआ था, उसकी समझ में नहीं आ रहा था वो क्या करे। तो माँ पूछती है उससे, तुम कैसे चढ़े ऊपर, तुम कैसे पहुँच गए इतनी ऊपर? तो श्यामा होती है वो कहती है, हम चौकी रखी थी उसके ऊपर स्टूल रखा था। तो केशव अपनी सफाई देता है कि हाँ तूने तो स्टूल को पकड़ रखा था नीचे, तूने तो थामा था स्टूल को। तो श्यामा कहती है, हाँ तुमने तो कहा था मुझे थामने के लिए। तो माँ होती है उन पर चिल्लाती है कि तुमको इतना नहीं पता, भाई को चिल्लाती है कि तुमको इतना नहीं पता कि जो चिड़िया के अंडे होते हैं वो छूने से क्या होता है, गंदे हो जाते हैं और चिड़िया फिर उनको सेती नहीं है, तो उनमें से बच्चे नहीं निकलते फिर। तो श्यामा डरते डरते पूछती है, तो क्या चिड़िया ने अंडे गिरा दिए हैं अम्मा जी? वो कहती है, हाँ और क्या करती, जब अंडे इसमें से बच्चे निकालने ही नहीं थे, कुछ करना ही नहीं था उनका, तो क्या करती वो? तो वो कहती है, माँ क्या है, इस केशव ने तो क्या किया, 3 जानें ले ली, बहुत पाप पड़ेगा इसके ऊपर। तो केशव है वो भी रोनी अपनी सूरत से बना लेता है रोनी सी, और वो कहता है मैंने तो क्या किया था, बहुत मासूम होकर बोलता है कि मैंने तो क्या किया था, सिर्फ अंडों को बचाने के लिए, उनको कुछ कष्ट ना हो, जो बच्चे पैदा हो तो मैंने उनके लिए तो गद्दी लगाई थी उसके नीचे ताकि जो बच्चे हों वो निकलें और इस गद्दी पर बैठ जाएँ। तो माँ जब देखती है उसकी रोनी सूरत तो माँ को हंसी आ जाती है। तो क्या होता है, जो केशव होता है उसको अपनी गलती का बहुत दिन तक अफसोस रहता है, वो सोचता है कि अंडों की तो उसने इतने अच्छे से हिफाजत की थी लेकिन उसने क्या किया अपनी गलती की वजह से, लेकिन उसको पता नहीं था जो अंडे होते हैं उनको छूने से गंदे हो जाते हैं और चिड़िया जो है उसको सेती नहीं है फिर। तो वो अपनी वो बहुत पछताता है कि उसने अपनी गलती की वजह से क्या किया, जो अंडे थे उनका सत्यानाश कर डाला, और इसे याद करके वो कभी कभी रो भी पड़ता है। और फिर दोनों जो चिड़ियाँ थी वहाँ पर कभी दिखाई नहीं देती, वो वहाँ से चली जाती हैं। तो यहाँ पर कहानी ख़त्म हो जाती है। तो ये बहुत ही अच्छी कहानी थी बच्चों, मुंशी प्रेमचंद्र जी के द्वारा लिखी गई। तो इसमें यही बताया गया है, अब हम किसी बात की समझ ना हो हम लोगों को तो हमें क्या करना चाहिए, बच्चों अपने जो बड़े लोग हैं उनसे पूछ लेना चाहिए कि कोई काम कैसे होता है। तो इसमें जो श्यामा थे और केशव थे उनके उन्होंने अपनी नादानी की वजह से क्या किया, 3 जानें ले ली, उसमें से 3 बच्चे निकलते लेकिन वो बच्चे निकले नहीं क्योंकि उन्होंने अंडों को छू लिया था, वो अंडे हो गए थे गंदे, और जो गंदे अंडे होते हैं जो मगर कोई छू लेता है अंडों को, जो पक्षी वगैरह होते हैं फिर उनको छूते नहीं है, उनको सेते नहीं है, तो अगर सेते नहीं है तो उनको मज क्या होता है, उनमें से बच्चे नहीं निकलते।
तो यही जो अंडों का हाल हुआ था, क्योंकि उन अंडों को छू लिया था इन बच्चों ने, तो वो अंडे गंदे हो गए थे। इसी वजह से क्या हुआ, चिड़िया ने उनको नीचे गिरा दिया और वो अंडे फूट गए। तो इसी नादानी की वजह से जो अंडे थे वो ख़त्म हो गए। तो ये बहुत ही अच्छी कहानी थी बच्चों, आप इसको समझ के याद कर लीजिए। और आप भी ध्यान रखिए, कभी किसी पक्षी के अंडों को, कभी किसी के जानवर के बच्चों को नहीं छूना है आपको, नहीं तो वो क्या करते हैं, जानवर भी और जो पक्षी होते हैं वो अपने बच्चों को नहीं पालते। तो ये इस कहानी को याद करके आप सबको सुनाइए और हमारे चैनल ऐसा एजुकेशन को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक।